बंद कर दिया, अभी ओपन कर दिया। प्लीज प्लीज स्टॉप माइक। Father of Pinky, good, good job. अरे भैया शंकर, आपने तो मुझे बहुत बड़ा ऑफर दिया है। क्या करो, सुबह सुबह जाके मछली मारना है, क्या करे भैया, शादी से हाल बेहाल हो गया है। पिंकी को ना कपड़ा दे सका हो, ना अपने परिवार को कुछ कपड़ा दे सका हो, खाने के लिए भी नहीं। आप तो बहुत ऑफर दे दिया। मैंने तो पहले से कहा था, मैंने तो पहले ही कहा था, आपने बोला था, लेकिन मेरा सोचा, चलो अब तो समझ में आ गई। एक मछली बेच लिया, और ज्यादा पैसा भी देंगे। कितना देंगे वो लोग? कितना? अरे ज्यादा, आप 10 किलो मछली बेचते हो, उसमें आपको 100 रुपए मिलते हैं। ऐसा है क्या? और यहाँ एक डॉल्फिन बेचोगे तो तुम्हें 1000 रुपए मिलेगा। क्या है, आप यही बोल रहे हैं? यस, आप देखिएगा, आप करके देखो। श्याम जी, मैडम जी, बोलिए बोलिए मैडम जी, आपको आप हमारे घर में आ गए। अरे पिंकी, तुम कहाँ पे गए थे? अरे तुम कहाँ पे गए थे? अब झूठ बोल रहे हैं। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सब
पे चले डॉल्फिन को मारना बंद कीजिए और कुछ और साधन निकालिए अपनी आय कमाने का। आपने क्यों नहीं पहले बोला था कि बुढ़वा बुजुर्ग खत्म हो जाएगा? अरे ये ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मैडम ये बोल रहा है कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। आप आय कमाने की प्रक्रिया बना रहे हैं आपको अपना फायदा बनाने के लिए। ऐसा है क्या? बोलिए आप सच बोलिए। आपको पैसा चाहिए? हम गरीब लोग हैं भाई। ये आप नदी के विषय में सोचेंगे या लोगों के विषय में सोचेंगे? आप मेरे शहर में सोचेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, वो कुछ नहीं कहेगी, वो तो रफा दफा होगा। मुझे पुलिस अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले मेरे इस लड़की को क्या बच्ची को कौन देखेगा? आप अभी इसी वक्त हमारे घर से जाइए। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपकी समाज को देख के बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे को देख के बोल रहा हूँ। अभी कभी रिभा नहीं मारेगा वो हम लोग को, ब्रह्मपुत्र हमको चाहिए उधर से खाना पीना, वो हम लोग का प्राण है। हम रिभा कभी नहीं मारेंगे, हम मस्ती पकड़ेंगे, आपसे रहेंगे, अभी जो मिला है वही खाएंगे। Thank you so much, all the members. I would like to say something.